सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडिया को और दबाइए बेल आइकन को मेरा वीडियो पहले देखने के लिए। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाइए। नमस्कार दोस्तों, देसी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला है, उसका कुछ कारण होगा तो मैं आपको बता दूं। अब आपसे आगे से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आया था कि सर आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, सर मैंने आपसे ये पूछा था, वो पूछा था। तो मैं आपको अब सभी जवाब दूंगा और आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो मैं जो इतने दिनों से वीडियो नहीं आई है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूंगा। आगे से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, मेरे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आया था कि मैं सर आपको ऐसी कोई बताइए जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा क्रीम लेकर आया हूँ जो कि आपकी एलर्जी खुजली के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आपकी एलर्जी खुजली को बहुत जल्दी शांत कर देंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किसको कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है और कब लगाना है, क्योंकि अगर लगाने का तरीका आ गया तो आपकी एलर्जी खुजली भी सही हो जाएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो मैं आपको ऐसी टिप भी देने वाला हूँ जो आपकी एलर्जी खुजली के लिए सच में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने रखा हुआ है आइट्रो स्ट्रेड ओसी, ये लीफोर्ड कंपनी का है। ये आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप आइट्रोकोनाजोल, ओफ्लोक्सिनिन, ओंडेंडाजोल, क्लोबिटासोल, प्रोपिनेट क्रीम ले सकते हैं। ये आपके एलर्जी खुजली के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लाल पट्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाल पट्टी का मतलब क्या होता है। शेड्यूल H1 के तहत आप इस दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये फार्मूला मतलब अगर इस कंपनी का नहीं मिल रहा है तो आप ये देखिए कंपोजिशन में पढ़ लिया करिए कि आइट्रोकोनाजोल 1% होना चाहिए, ओफ्लोक्सिन 0.75 होना चाहिए, ऑर्निंडाजोल 2.0% होना चाहिए, क्लोबिटासोल 0.05 होना चाहिए, मिथाइल है, प्रोपाइल है, बाकी ये सब कोई दिक्कत नहीं, ये सभी में होता है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, आपकी एलर्जी खुजली को बहुत ज़्यादा आराम देगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको इसको सुबह नहाने के बाद यूज़ करना चाहिए और रात के रात सोते समय। इनको इस जी क्रीम जो है इसको बच्चों से दूर रखिएगा। और हाँ, आँखों में या मतलब जो खुली मतलब वैसे पार्ट्स होते हैं वहाँ पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप खुद ट्यू देख रहे हैं, आप इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। आपको एलर्जी खुजली है जांघों के बीच में है, बगल में है, गर्दन में है, कहीं भी है ना आपको शरीर में, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बस चेहरे को छोड़ के। ठीक है, आइट्रो स्ट्रेड ओसी। और आपको इससे आपके उसके बारे में कुछ भी पूछना हो ना तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको ऐसी टिप भी देने वाला हूं जो कि आपकी एलर्जी खुजली के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके नाखून बड़े हैं तो नाखूनों को छोटा कर लीजिए, क्योंकि खुजाने में जो मज़ा आता है ना उसके बाद जो सज़ा मिलती है वो दिक्कत होती है। इसलिए आप पहले नाखूनों को छोटा करिए, उसके बाद आप अपनी एलर्जी खुजली कैसे शांत कर सकते हैं। ये ट्यूब जो है इसके साथ साथ आप थोड़ा सा कपूर या कुछ भी ले, थोड़ा कपूर ले लें या गरी ले लें, गरी का तेल जो होता है नारियल का, वो तीनों साथ में मिला के लगाएं, उससे भी आपको बहुत आराम होगा। नीम की पत्ती खा सकते हैं आप, उससे भी आपको बहुत आराम होगा। या आपको ये सब नहीं खाना है तो ये जो आइट्रोकोनाजोल देख रहे हैं ना आप, इसका ये कैप्सूल आता है 100 mg और 200 mg, उसमें से भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 2 दिन के लिए। ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत आराम होगा। और आपको इस वीडियो से कुछ भी पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा और देसी इंडिया को सपोर्ट करिए। चलिए, धन्यवाद।